हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हमारा गॉस लॉ का टॉपिक है। गॉस लॉ को समझते हैं, गॉस लॉ क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए ताकि कई लोग इस वीडियो के तरीके से इस सही तरीकों से समझ पाए हर चीज़ों को, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बहुत ज़रूरी हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। सो आप ऐसा करिए कि हर जगह तक ये वीडियो पहुँचे, और अगर सही लगे तो लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी डिटेलिंग की थी वहाँ पे, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आई थी, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो फाइंड की थी ई डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हमने फाइंड की थी। और फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी फॉर स्मॉल सर्फेस, जहाँ की सर्फेस बहुत स्मॉल हो, उसके लिए फाई जो थी वो थी ई डी एस कॉस थीटा, यही तो थी। और अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ को समझते हैं और इस तरीके से समझते हैं। गॉस लॉ हेडिंग डाल लेते हैं गॉस लॉ की, और गॉस लॉ को समझते हैं गॉस लॉ कहता क्या है। अभी हमने पढ़ा कि फाई हमारा जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। और हमारा फाई क्या था, वो एरिया पे भी डिपेंड करता था, जो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज थी। अब हमें क्या करना, देखिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा चार्ज क्यू है, ठीक है, उसको एक क्लोज्ड सरफेस में रख लेते हैं। मान लेते हैं एक क्लोज सरफेस हमारा क्या है, वो एक फुटबॉल है। मान लेते हैं फुटबॉल का सरफेस है और हमें फुटबॉल सरफेस, ठीक है, ये फुटबॉल सरफेस है। इसको पूरा आप स्फेरिकल मानिएगा, सर्किल नहीं, स्फेरिकल, पूरी तरीके से क्लोज्ड है, और ये क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये Q है। अब इसके अंदर से क्या निकलेंगे, एक चार्ज बॉडी है, ये Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, हर एक सरफेस से इसके टकराएंगे, ठीक है। एक बात और है कि अगर मान लेते हैं इंटेंसिटी क्या हो, इंटेंसिटी हमारी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लो होगी मान लेते हैं, तो हमारा फाई भी लो हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके इससे क्रॉस आउट होंगी, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो कई सारी लाइंस आएंगी इससे जुड़ेंगी, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा कि इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी चार्ज की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो फाई हमारा ज़्यादा होगा। अच्छा, अब एक और कंडीशन समझते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज़्यादा होगी, जब हमारी क्यू की जो वैल्यू होगी, यानी चार्ज जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू जो होगी, जिसे यहाँ पे हमने लिख के रखा है, इंटेंसिटी कब ज़्यादा होगी, जब Q की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब चार्ज हमारे पास ज़्यादा चार्ज का होगा, एक कूलम, दो कूलम, ऐसे चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे, जैसे मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि जैसे एक कूलम का चार्ज मान लेते हैं, उसने जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली, उसने फोर फाई निकाली मान लेते हैं, ठीक है, फोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाली, ठीक है, लाइन्स निकाली। अब सेम उसी क्लोज सरफेस में जब मैंने दो कूलम का चार्ज रखा, उसने आठ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली होंगी ना भाई, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, इतने ज़्यादा वैल्यू का, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्लोज सरफेस जो हम यहाँ पे क्लोज सरफेस हमने देखा है, उस क्लोज सरफेस में उस वो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी और उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसका मतलब ये भी है कि भैया ये फाई भी तो कहीं ना कहीं इस Q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस सिचुएशन से, यहाँ आपको दिख रहा है ना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, दिख रहा है आपको यहाँ पे साफ साफ। और आप ये भी कह सकते हो कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कुछ भी कह सकते हो। अब गॉस लॉ सिंपली यही कहता है कि इन दोनों का रिलेशन फाइंड करता है, कि इनका आखिर में रिलेशन है क्या। गॉस लॉ फाइंड्स द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड फाई, यानी इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर जो चार्ज हमारा होगा, उसमें और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या यहाँ पे रिलेशन बनता है, इसी रिलेशन को गॉस लॉ से हम जानते हैं। अब इसको कैसे जानते हैं, गॉस लॉ होता क्या है, इसको समझते हैं आगे।
सो यहाँ पे अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जो रिलेशन बिटवीन क्यू एंड फाई है, यानी हमारे जो चार्ज है और जो फाई के बीच का जो रिलेशन हमें निकालना है, उसका डेरिवेशन करते हैं। अब लेकिन हम गॉस लॉ से डेरिवेशन करेंगे तो हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए, इस चार्ज को हमें किसी क्लोज सरफेस में रखना होगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं, वरना ऐसे तो निकाल नहीं सकते। अच्छा हम वो अच्छा उस सरफेस को मैंने वहाँ पर बताया था, इस सरफेस को हम कहते क्या है, जिस सरफेस में हमें रखना रहता है उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस कहते हैं, जिसे इमेजिनरी सरफेस को हमें से बनाना होगा। लेकिन अब हमें इसे किसी सरफेस में रखना होगा, लेकिन हमें उस सरफेस में रखना होगा कि जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हर एक पॉइंट पे उसकी फ्लक्स क्या हो, इक्वल हो, और इक्वल तभी होगी, और इक्वल होगी इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो स्टडी होगी वो आसान हो जाएगी, हम एक ही साथ सब इकट्ठे इंटीग्रेट कर देंगे और सबका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। सो इस चार्ज के लिए सबसे अच्छी अगर कोई गॉसियन सरफेस हो सकता है तो वो हो सकता है ये स्फेरिकल सरफेस, इसको हम कह सकते हैं स्फेरिकल सरफेस। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि क्यों नहीं सर, क्यों हम यहाँ पे ऐसा क्यों है कि स्फेरिकल ही लें, हम तो कोई भी सरफेस ले सकते हैं, ऐसे भी कोई सरफेस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम तो ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई भी सरफेस ले सकते हैं। सो इस कंडीशन में मैंने स्फेरिकल सरफेस ही क्यों लिया, इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मैंने अच्छा ये देखिए, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी निकल रही है, यहाँ से हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अच्छा आप एक चीज़ देखिए, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इसको हम थोड़े अलग डॉटर से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, है ना, इस पॉइंट पे भी इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही आगे जाएगा, इस पॉइंट पे भी इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इसको निकालूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, देखिए ये एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, दिख रहा है ना आपको। सो इस पे ऐसे हमें क्या दिख रहा है, यानी हर एक पॉइंट पे आप किसी भी इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर का जो एंगल थीटा फाइंड कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम है हर एक पॉइंट पे। क्या इस पे सेम है, यहाँ देखते हैं, इस पे सरफेस निकलता है और ये मान लेते हैं हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हमारा एंगल है, और ये हम समझ लेते हैं कि चलिए ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया इस सरफेस का, ठीक है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पर एरिया परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस सरफेस पे आ जाते हैं, इस पे मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एरिया हमारा एरिया वेक्टर निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकल जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए ना। सो क्या आपको अच्छा ठीक है, एक और ले लेते हैं सिचुएशन, ये भी हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और इस सरफेस पे जब आया तो कहीं ना कहीं इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे कोई सरफेस बनेगा, ठीक है। हर एक सरफेस पे क्या होगा, एक अलग अलग आपको फ्लक्स मिलेगा। सो हम ऐसा सरफेस लेते हैं कि उसके हर एक पॉइंट पर जो एंगल बने उन दोनों थीटा और उनका जो सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो सेम बने। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक ऐसा सरफेस लिया जहाँ पे हर एक पॉइंट पे हमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और हम सबको एक ही पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो हमें हर एक पॉइंट मिल जाएगा अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिर्फ यही एक रीज़न था, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस पे कुछ और निकलेगा एरिया वेक्टर, और इस पे देखिए अगर ये चार्ज हमारा इस पे जा रहा है इस पे भी कुछ और निकलेगा, तो कई एक सरफेस पे आप किसी भी तरीके से आप सेम नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस लिया, ये चीज़ आपकी क्लियर है, ठीक है। सो हम यहाँ पे फिर से एक चार्ज क्यू ले लेते हैं, इसके अलावा हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, क्यों लिया इसका रीज़न बिल्कुल क्लियर है, इसके हर एक पॉइंट पे आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का जो थीटा है वो सेम आएगा, एंगल सेम बनेगा, इसका मतलब क्या कि हमारा फ्लक्स सेम होगा। अब फ्लक्स सेम होगा, हम इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं और एक पॉइंट पे इसकी हम क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकालेंगे और फिर जो हर एक पॉइंट पे हमें मिल जाएगा जब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और मान लेते हैं इस स्फेयर की और जो डिस्टेंस है वो आर, और देखिए सबसे बड़ी बात कि डिस्टेंस भी सेम होगी ये, अच्छा एक बात तो और आपके ध्यान में होना चाहिए, ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पे आर थी, यहाँ पे इस आर की वैल्यू कुछ और हो सकती है, यहाँ पे इस आर की वैल्यू छोटी हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो हमारी बदल सकती है, कुछ हर एक चीज़ बदल जाएगा, आपका प्रोडक्ट ही बदल जाएगा, दिख रहा है ना। और एक स्फेरिकल सरफेस में क्या हो रहा है कि हमारा जो आर है वो भी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतने ही इंटेंसिटी से उस सरफेस पे जाके टकराएंगी, ठीक है, ये भी आपको रीज़न देखना पड़ेगा, समझना होगा। सो मान लेते हैं यहाँ एक स्मॉल सरफेस लिया है, उस स्मॉल सरफेस को हम डिनोट कर देते हैं डीएस से, ठीक है। इस पे हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर जो डायरेक्शन होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस तरफ जाएगा और एरिया वेक्टर भी आपका इसी तरफ जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे मिल रही है और कुछ नहीं। और अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन इस तरह से करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकाल लें अगर एक पॉइंट पे तो हमें पता चल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमारी निकल जाएगी उसको हम फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा पे रख देंगे और हमारी इक्वेशन निकल आएगा। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे, यही तो होगी 1/4 πε₀ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी तो हमने यही पढ़ के रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस देखिए जाके पीछे, आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो यही होगा, और आर जो वेक्टर होगा जो उसका यहाँ पे डायरेक्शन होगी, इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। अब हमें ये भी पता है कि अब स्मॉल सरफेस हमने लिया है सो उसका जो स्मॉल फ्लक्स भी हमारा स्मॉल होगा, डी फाई होगा, लेकिन इंटेंसिटी तो सेम होगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल सरफेस डी एस। अब उसको डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, यही तो होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब ई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 πε₀ क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, यही तो होगा फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर है, ये तो हमारी डी फाई की वैल्यू आ गई कहाँ पे, जब स्मॉल सरफेस। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें फुल सरफेस के लिए मिल जाएगा, पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि सब सेम है इसलिए हमारी स्टडी भी आसान हो गई, ठीक है। अब डी फाई निकाल लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन डी फाई। अच्छा, ये क्लोज सरफेस है, आपको दिख रहा है ना, क्लोज स्फेरिकल सरफेस है, कहीं से भी ओपन नहीं है, इसलिए जब हम क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे ओ शेप यहाँ पे बना देते हैं, ओ शेप, ठीक है, और इसको ऐसे लिख देते हैं तो हमारा क्लोज सरफेस हो जाता है 1/4 πε₀, अंदर क्या है फिर से लिख लेते हैं क्यू अपन आर स्क्वायर डी एस, यही तो हमें इसे को इंटीग्रेट करना है। फाई हमारा हो जाएगा डी फाई का फाई हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर करते हैं, फाई हो जाएगा डी फाई की इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा 1/4 πε₀ बाहर आ जाएगा, और क्या बाहर आएगा, यहाँ पे क्यू भी हमारा बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना हर एक पॉइंट पे, बदल क्या रहा है, डी एस बदल रहा है हमारा, और उस डी एस को ही हमें इंटीग्रेट करना है क्लोज सरफेस, ठीक है। अब इस डी एस की वैल्यू, अब हमें सरफेस की वैल्यू कैसे पता करें, इसकी सरफेस की जो वो क्या होगी, मतलब सरफेस एरिया क्या होगी, तो हमें पता है कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सरफेस एरिया ऑफ, आपको पता होगा ना सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, होता है 4πr², यही तो होता है, उसको आप टोटल सरफेस एरिया कहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इस डीएस की जगह हमें हमेशा ही उस सरफेस एरिया की वैल्यू में रखनी होगी जिस गॉसियन सरफेस हमने, जो गॉसियन सरफेस लिया होगा, मान लेते कि हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल लिया होता तो हम सिलेंडर का यहाँ पे सरफेस एरिया रखते, यहाँ पे हमने डीएस का रख दिया क्योंकि 4πr² इसका सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख देंगे, अगले स्टेप में चलते हैं उसको रखते हैं वहाँ पे वैल्यू, तब देखते हैं क्या होता है। सो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं और इसके जो कैंसिल आउट करेंगे सारी वैल्यूज को, सो यहाँ 4π से आपका 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू बचेगी वो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और ये जो आपकी लास्ट वैल्यू बच रही है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आपकी जो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं गॉस लॉ, मतलब इस इक्वेशन को तो आप नहीं कह सकते, इस जो ये जो आपका इक्वेशन निकल गया इससे जो स्टडी हुई हमारी उसको हम कहते हैं गॉस लॉ, ठीक है। अब ये गॉस लॉ कहता क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है रिलेशन आ गई हमारी, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि जो ये, अच्छा ये फाई क्या है, टोटल फ्लक्स है ना, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए, टोटल फ्लक्स है आपका, ठीक है, ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज है जो आपका चार्ज है, और इसको तो आपको पता ही एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही तो है इसकी वैल्यू। तो ये सभी इक्वेशन जो हमारा निकल गया इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो गॉस लॉ, जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्यू इन दोनों के बीच का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1/ε₀ इंटू क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε₀ टाइम्स ऑफ क्यू, और इसी को थियोरेटिकल फॉर्म में जब हमने लिखा सो इसको हमने गॉस लॉ बोल दिया, और गॉस लॉ कहते क्या है लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है,
द टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज, ऐसा नहीं कि आप इस स्फेरिकल के लिए, आप हर एक बॉडी के लिए टोटल, तो टोटल फ्लक्स आया है ना, तो आप किसी भी क्लोज सरफेस के लिए यही आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा हर जगह, ठीक है। यहाँ पे हमने स्फेरिकल इसलिए लिया क्योंकि हमारे जो स्टडी थी वो आसान हो गई, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी सेम निकल रही थी। तो आप कोई भी सरफेस लोगे, हाँ, उसकी स्टडी आपके लिए कठिन होगी, आपको हर जगह पे इलेक्ट्रिक वैल्यू अलग मिलेगी, तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हर एक पॉइंट आपको निकालना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। इट्स ऑल ओवर यूनिवर्स है, ठीक है। टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज क्यू, जो क्यू हमने टोटल चार्ज यहां पे लिया था, ये इसी को हम कह देते हैं गॉस लॉ। अब इस गॉस लॉ को पूरी तरीके से हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या निकली वैल्यू। यानी हम लिख सकते हैं ना फाइ इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं ना कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो, लिख सकते हो आप ई डॉट डी एस, लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो कि नहीं, आप खुद सोचो, लिख सकते हो आप, ये फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये टोटल फ्लक्स ही तो है। आप किसी भी स्मॉल सरफेस का जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसकी वैल्यू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसके इक्वल भी लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इसको लिख के रखा है। हम देख यहाँ पे देखिए, हमने डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस यहाँ पे लिया था ना, और यहाँ पे फिर उसके बाद ये जो डी फाई इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया था, फाई इज इक्वल टू हो गया था हमारा, जब फाई निकाले टोटल फ्लक्स हम इंटीग्रेट किए थे यहाँ पे, सो इसको हमने यही तो लिखा था, ई की वैल्यू ये थी और फिर ये डी एस, ठीक है, चीज़ें क्लियर है आपको, वहाँ पे हमने फाइंड किया था उस चीज़ को। सो इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं गॉस लॉ। ये जो हमारा क्वेश्चन निकल गया वो फाई और क्यू के बीच का रिलेशन हमें फाइंड कराया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पे कुछ वैल्यू रखते हैं और समझते हैं क्या होता है। अब इसी क्वेश्चन पे जब फाइ इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसमें अगर हम क्यू की वैल्यू जीरो रख दें सो हमारा फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, यानी जहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, जहाँ क्यू इज क्या लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट, ये भी आप नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो व्हेन देयर इज नो चार्ज इन सरफेस, और वो सरफेस क्या होगा, बार बार वो सरफेस क्लोज्ड है, देन देयर इज नो फ्लक्स, ठीक है, नो फ्लक्स। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उस बॉडी में सिर्फ एक ही चार्ज हो, जितने भी चार्ज हो आप उनको सम करोगे उसकी वैल्यू, ये टोटल चार्ज है, ये जो आपका क्यू है यहाँ पे, ये आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका क्यू आपका निकल के आ रहा है, ये Q आपका क्या है, ये टोटल चार्ज है, जितने भी चार्ज हो उसके अंदर जो नेट चार्ज आपका निकल के आएगा और जो नेट फ्लक्स निकल के आएगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। मान लेते हैं कोई बॉडी उसके पास Q1 चार्ज हो, Q2, Q3, तो इन सबको आप ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, आप इन सबको ऐड करके जब आपका टोटल चार्ज Q आएगा फिर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज हो तो ही आपका सेटिस्फाई, नहीं, आपकी जितने सारे चार्ज हो आप उनको ऐड ऑन करिए, उसके बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी टोटल फ्लक्स। एक और सिचुएशन ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू प्लस क्यू है, एक हमारे पास उसके अंदर निगेटिव चार्ज है, इन दोनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ओके भाई, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, तब भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता है उस बॉडी में, तो आपका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिचुएशन है, अगर आपके पास ऐसा दो एक एक चार्ज है जो आपको एक यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कटआउट कर देते हैं, या आपके पास चार्ज ही नहीं रह जाते क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ बाहर निकलती है तो उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं आप इस रिलेशन से क्या निकल रहा है, जब आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टे फिट, स्टे होम एंड जय हिंद।